विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने हलका देहाती बठिंडा तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोट फत्ता के पीए रेशम नू सरपंच तो 4 लाख रुपए की रिश्वत लेंदिया रंगे हाथी काबू किया है। इस दे नाल ही विधायक नू भी हिरासत च लैके अगली कार्रवाई की जा रही है। पिंड खुडा की महिला सरपंच सीमा राणी के पति ने दसा है कि विधायक के पीए वालों ग्रांटा जारी करने लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। वीरवार को उसने इसकी शिकायत विजिलेंस को की तो पैसे देते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने विधायक के पीए को रंगे हाथी काबू कर लिया। विजिलेंस वालों विधायक अमन रतन कोट फत्ता और उन्होंने पीए को गिरफ्तार करके सर्कट हाउस में लिया गया। विधायक की गिरफ्तारी की खबर अग वांग पूरे इलाके फैल गई। पता लगदा ही आम आदमी पार्टी के कई वर्कर भी इकट्ठे हो गए। इस दौरान भाजपा के जिला प्रधान सरूप चंद सिंगला की अगवाई में कई भाजपा वर्कर भी सर्कट हाउस में पुज गए तो दोवें धिरों में टकराव हो गया, जिस पुलिस ने दखल दे के दोवें धिरों को एक दूजे तो दूर कर दिता। विधायक अमर रतन के कानूनी सलाहकार एडवोकेट रोहित चुंबा ने कहा कि विधायक तो कोई वसूली नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है। प्रितपाल कुमार उर्फ काका जी। अच्छा जी, की गल हुई है? मेरा पिंड कुड्डा, मेरी वाइफ श्रीमती सीमा राणी पिंड की मौजूदा सरपंच है जी। साढ़े को 15वें कमीशन की ग्रांट के पैसे पे थे, असी उस कुछ काम करवाते, कुछ काम करवाने बाकी सी पिंड के मते पाए हुए आ। BDO PO दफ्तर वाले सानू बहुत तंग परेशान करते रहे 4 साल हो गए, क्योंकि असी कदे इन्हां नूं कोई सबसर नहीं दिता सीगा। पैसों की मंग तो बहुत बारी की है पर नहीं दिता जी। सानू इस वास्ते सी टाइम लिया भी चलो सरकार बदल जू, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बहुत सानू परेशान किया। असी इस MLA की बहुत मदद भी की, सिर्फ इस वास्ते भी की है साडा असी पिंड का कुछ सवारना चाहते सी। असी कदे भी अज तक एक नवा पैसा भी कमाई नहीं की। असी कसम खा के मैं तो मेरे घर वाली ने गुरु ग्रंथ साहब जी गुरुद्वारा साहब जाके असी सरपंची शुरू की सी, पर MLA तो उन्होंने भी कांग्रेसियों का भी प्यो निकलिया। इनू असी जो दस्या भी करके BDPO दफ्तर वाले सानू तंग करते, साढ़े काम नहीं होने देंगे, पेमेंट नहीं रिलीज करते, पैसे पे आ। कहता भी किन्ने पे आ? मैं जी 25 लाख रुपया पाया। कहता सानू की देंगा? मैं कहा जी थोनू की देंगा? मैं कहा असी तो पिंड ही लाने पैसे। कहता भी नहीं, तू ये नहीं चलूगा तो देने पूगा। मैं जी चलो दस दो फिर। कहता भी किन्ने का? मैं 25 लाख। कहता घट्टो घट 5 लाख रुपया। मैं जी बहुत ज़्यादा आ। मैं जे BDPO दफ्तर वाले भी 5-7% लेंदे आ तो यह तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं कहा इसी तक वह भी नहीं दिता। कहता भी नहीं, तो देने पूगा। फिर मैं चलो जी कम कुछ पैसे को भी चले हुए थे, कुछ मार्केट देने भी सके, कुछ पे से पिंड के कम पेंडिंग ने जी। लोग सानू कहते ने भी यार आह करा के दो, आह करा के दो, पर हम लोगों की दसीए भी सारे लोगों भी साढ़े नाल आह कुछ बन रही है भी साढ़े पेमेंट नहीं रिलीज कर दे। तो फिर असी इन्हें कहते 5 लाख रुपया सानू दो। चलो ये मुड़ के पोलिटिकली दबाव नाल कोई पैसे BDPO दफ्तर दिते हो BDO दिते हो इन्होंने, तो कहते भी करवा के दे करवा दें। अक्तूबर के लगे ने मिनती मुंतियाँ जी, अक्तूबर दिनती करके लिया जी, तो वह पेमेंटा हूँ फरवरी तक जाके क्लीयर की। उन्होंने कहा भी करके जी बाकी भी करवा दौ पैसे पे आ। कहता भी नहीं, पहला दौ साढ़ा इस साइड गल की है। मैं जी पेमेंटा 7-8 दिन हुई हैं, बाकी हज़ार रुपए तो थोड़ू इन्ने के ले लो। कहना ना सारे दे दे, तेरे ना कमिटमेंट कर दे, करवा जरूर देवे। ये 10 तरीक की गल है जी, हाँ 10-2-23 की। तो मैं जी चलो कोई गल नहीं, दे दें फिर ये सरदा ही नहीं था। कहते भी दे, कहते अज सू दे 3 तो 2 मंगलवार दे दी, ये मंगलवार आना। मैं जी मैं 3 दिन अच्छ होना। कहते होर? मैं घट्ट। कहते सर 2 दे, सू बहुत ज़्यादा लोड़ है देने किसी को। मैं चलो कोई गल नहीं, मैं कोशिश करना। मैं कोशिश की, नहीं मिले जी पैसे। मैं 50,000 रुपया जी मेरे को बनया। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ PA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ PA ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ PA ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘੁੱਦੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦਾਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।